माने कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है ना? आप मुझे बेटा डेली वीडियो भेजा करो और आप मुझे प्यारी प्यारी से अपनी वीडियो सेंड किया करो, जिससे मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे बच्चे अच्छा सा वर्क करते हैं और साथ में वो बिल्कुल ठीक है, और डेली वर्क भेजा करो। तो आज हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करेंगे? एक प्यारी सी राइम के साथ, हिंदी राइम के साथ। और ये मेरे हाथ में क्या है? आलू, पोटैटो। इसकी हम राइम के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, जो कि आपने ये राइम पहले भी लर्न की है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे, तो खूब बड़े हो जाओगे। ये राइम आप सबको आती है, क्योंकि आपने ये राइम टमाटर वाली राइम और आलू वाली राइम आपने बहुत सी वीडियो सेंड की थी। तो अब हम इस राइम के बाद, इस कविता के बाद हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी का वर्क है। अब हम उसको शुरू करेंगे। जैसे कि आप मेरे बैक साइड में भी कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, जो कि ये ब्लैक बोर्ड पर आपकी मैम ने ड्रॉ की हुई है। ये है कौन सा स्वर है, कौन से स्वर की ये आपकी मैम ने पिक्चर ड्रॉ की है। ये है स्वर, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप नंबर 3 लिख लेंगे और उल्टा सी लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, पी लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको ये स्वर लिखना इजी हो जाएगा। अब आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा। ये है बच्चों ओ से उल्लू, ओ से उपहार, ओ से उड़न खटोला, ओ से उपवन, है ना? और हम जैसे कि इस बुक के अंदर भी हम ये वर्क कर चुके हैं, पेज नंबर 10 में भी हम ये वर्क कर चुके हैं। आपके इस बुक के अंदर भी हिंदी पढ़ो और सीखो में मैं आपको इसको रीड भी करवा चुकी हूँ, इसका नीचे का वर्क भी करवा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे का ये पेज नंबर 10 हिंदी पढ़ो और सीखो नहीं कंप्लीट हुआ है, ये स्वर ओनली 4 times आपको लिखना है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे इस पेज को, पेज नंबर 10 हिंदी पढ़ो और सीखो। इसके अंदर मैंने आपको रीड करवाया हुआ है, आज हम इसको बुकलेट के अंदर भी रिटर्न वर्क करेंगे। जैसे कि पहले हम इसको रीड करेंगे फिर से। ओ से उड़न खटोला, उ से उड़न खटोला, उ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट, उ से उल्लू, उ से उपवन। देखो बहुत सारे ट्री हैं, है ना? और ये देखो, उ से उपवन, बहुत सारे जहां ट्री होते हैं, बगीचा होता है, उसको बोलते हैं उपवन। उ से उपवन। आज हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी बुकलेट है बाल अक्षर ज्ञान प्रवेशिका। बाल अक्षर ज्ञान प्रवेशिका के अंदर आप, ये आपकी बुकलेट है, इसके अंदर आप पहले इस बुकलेट में वर्क करेंगे, उसके बाद आप नोटबुक में वर्क करेंगे। तो आज आपको मैं इसके अंदर वर्क देती हूं, पेज नंबर 5। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे कि ये बना हुआ है, उ अक्षर से प्रारंभ होने वाले चित्रों में कलर भरो। पहले आप ये उपवन और उपहार के अंदर आप कलर फिल करेंगे सुंदर सुंदर सा। उसके बाद अगर आप ये पूरा पेज कंप्लीट कर सकते हैं, पेज नंबर 5 आप कर ले, नहीं होता है तो ओनली आप 4 lines, 1, 2, 3 और 4,
फोर लाइन तक आप इसको आज आप वर्क करेंगे। आज का आपका वर्क यही है, बुकलेट के अंदर पेज नंबर 5 ओनली 4 लाइंस। अगर आपका बच्चा इस पेज को कंप्लीट कर लेता है वन डे में तो आप उसको करवा दें, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको आप ओनली 4 लाइंस करवाएं। और साथ में बच्चे को आप रीड करने के लिए बोलेंगे कि आपको बच्चे जो आपने पिक्चर बोली थी, रीड की थी, उसको आप फिर से बोले। जितनी बार भी वो लिखेगा उसको साथ में बोलना है, बर्बली भी वो बोलेगा, ओ से उपवन, ओ से उल्लू, ओ से उपहार, ओ से उड़न खटोला। जब जब भी वो लिखेगा साथ में उसको बोलो कि आपको लाउडली बोलना है, उससे वो उसको वो चीजें जो पिक्चर है वो भी लर्न भी हो जाएंगी और साथ में वो रिटन वर्क भी हो जाएगा। आज का ये आपका रिटन वर्क हिंदी का है। अब हम इसके बाद सेकेंड वर्क करेंगे, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं।